हेलो फ्रेंड्स, आज हम अभी एम आई के फ़ोन सभी यूज़ कर रहे हैं और अभी सबको MIUI 10 के अपडेट की इंतज़ार है। मगर अभी चाइना में ही सिर्फ MIUI 10 के रोलिंग आउट शुरू हुए हैं और मेरे पास Redmi Y1 है। मैं आज को Redmi Y1 में MIUI 10 का बीटा वर्जन कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि MIUI 10 के फीचर क्या क्या है। इसलिए आपको अगर MIUI 10 का बीटा वर्जन इंस्टॉल करना है तो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम जो भी नए वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर MIUI 10 Redmi Y1 के लिए और Y1 Lite के लिए डाउनलोड करना है तो इस लिंक पे जाइए। इस लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस लिंक पे जाके आपको सिर्फ जो ये ऊपर वाला है जो वो 9 वर्ज़न है 9.6, मगर नीचे वाला है जो MIUI 10 है जो बेटा वर्ज़न है, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सिंपली इसको डाउनलोड रोम करना है। डाउनलोड रोम करने के बाद आपको जो रोम डाउनलोड होगी वो फाइल मैनेजर में होगी। फाइल मैनेजर में आपको वो जो रोम डाउनलोड होगी वो आपको सिर्फ इंटरनल स्टोरेज में जो MIUI रोम डाउनलोड फोल्डर होगा उसमें पेस्ट करना है। अगर MIUI यहाँ पे देखिए, मेरे में MIUI रोम डाउनलोड वाला फोल्डर नहीं है तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद सिस्टम अपडेट में जाना है। सिस्टम अपडेट में जाने के बाद यहाँ पे तीन तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्लिक करके डाउनलोड अपडेट अपडेट करना है। डाउनलोड अपडेट करते डाउनलोड करना है और टर्न ऑन करना है। ओके, ये चालू हो गया और इसको स्टॉप कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो जो फाइल मैनेजर है उसमें फोल्डर बन चुका होगा ग्लोबल डाउनलोडेड रोम। तो यहाँ पे जो हमने जो MIUI 10 बेटा वर्जन डाउनलोड किया है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको सिर्फ सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन में जाना है, सिस्टम अपडेट में जाना है और यहाँ से तीन डॉट पे जाने के बाद चूज अपडेट पैकेज करना है और इससे फाइल मैनेजर में जाके इंटरनल स्टोरेज में जाके यहाँ पे जो डाउनलोडेड रोम है वहाँ पे ये वर्ज़न 9.2.6 है वैसे ही MIUI 10 वाला होगा, उस पर ऐसे क्लिक करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद आपका जो जो MIUI 10 बेटा वर्ज़न है वो डिक्रिप्ट होना चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप MIUI 10 अपडेट कर देंगे तो उसके बाद आपका जो फ़ोन होगा वो लॉक होगा। लॉक होने की वजह से आपको MIUI 10 की ID और पासवर्ड मालूम होना चाहिए। अगर ID और पासवर्ड मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा तो भी हो जाएगा। और उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड रिकवर करके सेटिंग कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।